आपका टेस्ट चाहे कैसा भी हो, इस लिस्ट की कोई भी सीरीज आपको पसंद आ जाएगी। टॉप 6 न्यू हिंदी डब सीरीज ऑफ 2024। एडवेंचर से भरी लिस्ट की पहली सीरीज। कुछ लोगों का एक ग्रुप अटलांटिक ओशन में छिपे एक ट्रेजर को ढूंढना चाहते हैं, पर यह मिशन इतना आसान नहीं बल्कि बहुत सारे चैलेंजेस से भरी पड़ी है। इन सब के बीच और भी कई लोग हैं जो इस ट्रेजर हंटिंग के जर्नी पे निकले हैं, तो क्या ये लोग इस ट्रेजर को ढूंढ पाएंगे या नहीं। 2024 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर बैंडिडोस। जानते हो ये काम हमारी जिंदगी बदल सकता है। इस जर्नी के दौरान आपको डिसेंट कैरेक्टर, ट्विस्ट एंड टर्न्स और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, जो इस सीरीज को ओवरऑल एक डिसेंट वॉच बनाती है। कोई मुझे ये बताएगा कि चल क्या रहा है। ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, पर एक फैंटेसी से भरी पॉन स्टार के पीछे की कहानी क्या होती है ये किसी को नहीं पता होता। तो अगर आप एक पॉन स्टार की लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए। बायोग्राफिकल ड्रामा सुपर सेक्स। मेरे अंदर एक बॉम्ब पनप रहा था। ओह माय गॉड। इटली के एक छोटे से टाउन में रहने वाले इस लड़के का सपना है एक बहुत बड़ा पॉन स्टार बनना। ये ड्रीम तो ये बहुत जल्द अचीव कर लेता है, पर इसके बाय प्रोडक्ट में आने वाले प्रॉब्लम्स को ये कैसे हैंडल करता है यही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट मत करना, बस एक माइंडलेस एंटरटेनमेंट के लिए आप इसे देख सकते हैं। हम सपनों के सौदागर हैं। हमारे दुनिया के 30 मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट को वन बाय वन करके असैसिनेट कर दिया गया है। अब इन किलिंग्स के पीछे किसका हाथ है और इस दुनिया को किससे खतरा है। 2024 में रिलीज हुई साइफे एक्शन 3 बॉडी प्रॉब्लम। कंसेप्ट तो बहुत अच्छी है, पर प्रॉब्लम आती है इसके एग्जीक्यूशन में, जो इस सीरीज के कंसेप्ट के हिसाब से इसे इतना एंटरटेनिंग नहीं बना पाती। लेकिन अगर आपको एक एलियन वर्सेस ह्यूमन टाइप सीरीज देखना है तो आप इसे देख सकते हैं। साइफे एडवेंचर सीरीज हालो का फाइनली सीजन 2 भी आ गया, और सीजन 1 जिस पॉइंट पे एंड हुआ था उससे आगे की कहानी जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये 2 साल का वेट सच में वर्थ इट था। तो अब एलियंस और ह्यूमंस एक दूसरे को खत्म करने के लिए स्पेस में एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर हालो की तलाश कर रहे हैं जो इतनी पावरफुल है जो किसी भी सिविलाइजेशन का दी एंड कर सकती है। Hardwired. तो अब एलियंस और ह्यूमंस की इस फाइंडिंग रेस में कौन हालो को पहले ढूंढ पाता है यही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज सच में बहुत यूनिक और माइंड ब्लोइंग है, इसीलिए मेरे तरफ से सीरीज मस्ट वॉच है। फाइनली एक बहुत लंबे समय के बाद एक टॉप क्लास की साइफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज मार्केट में आ चुकी है। ये एस्ट्रोनॉट एक इंसिडेंट के बाद स्पेस में अकेली फंस जाती है। अब यहाँ से तो ये बहुत मुश्किलों के बाद निकल जाती है, पर उसका असल प्रॉब्लम अर्थ पे वेट कर रहा है। This is it madness. तो आखिर इस एस्ट्रोनॉट के साथ स्पेस में क्या हुआ था और अब अर्थ पे क्या हो रहा है, और क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है। इन सब का जवाब मिलेगा आपको एप्पल टीवी पे अवेलेबल सीरीज कॉन्स्टिलेशन के अंदर। स्मार्टली रिटन सीरीज हर एपिसोड में मिस्ट्रीज लेयर बाय लेयर ओपन होती है, तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये सीरीज आपको बोर कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्या गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कुछ फिर से आ सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। गेम ऑफ थ्रोन्स जैपनीज वर्जन। 1600 का जैपनीज एरा, जब जापान में फ्यूडल सिस्टम और राजाओं का रूल्स चलता था। अब ऐसे में एक किंग है जिसकी डेथ बहुत जल्द होने वाली है, तो ये पता चलने के बाद जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और किस तरह का एक वॉर शुरू हो जाता है इस स्टेट को पाने के लिए, और ऊपर से कॉम्प्लेक्स फैमिली डिस्प्यूट, वॉर इज कमिंग, ये सब सोगन नाम की सीरीज के अंदर बहुत स्मार्ट वे में दिखाया गया है, जो आपको एपिसोड 1 से ही ग्रिप कर लेगी। टॉप नॉच विजुअल्स, सारे एक्टर्स का रियल परफॉर्मेंस के साथ यूनिक कैरेक्टर, बीजीएम सब कुछ ही टॉप टियर है। इसके अलावा ब्लड, वायलेंस, न्यूडिटी और ब्रुटैलिटी आपको भर भर के मिलेगा, जो इसे एक हाईली आर रेटेड सीरीज बनाती है। और फर्स्ट एपिसोड का वो सीन जिसमें एक इंसान को जिंदा पानी में खुलाया जाता है, इस सीन को देखकर ही मुझे पूरे सीरीज का लेवल पता चल गया था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।